हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ततला फैमिली। हाउ आर यू ऑल? वी होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो बट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट बिलो फ्रॉम वेयर यू आर वाचिंग राइट नाउ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन प्राइसेस, वेजिटेबल प्राइसेस इन इंडिया। एंड द पीपल्स ऑफ इंडिया सेइंग दैट द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर वेरी लो इन इंडिया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो लेट गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। एंड वी होप प्राइसेस का कितना डिफरेंस होगा वैसे इंडिया और पाकिस्तान का? बहुत ज्यादा। कितना मिनिमम? हम नेबर है ना दोनों, बोथ आर नेबर कंट्रीज, तो कितना डिफरेंस होगा? हाफ तो होगा, हाफ तो होगा, हाफ तक तो होना चाहिए। 10-20 का, 100 प्लस, 10-20 का, 100 प्लस का। सनी भाई, हाफ तो होगा मतलब अगर इंडिया में 5 की चीज है तो इधर 10 की होगी, 20 की होगी तो 40 की होगी, डबल तो होगी, डबल होगी ऑलमोस्ट। किकरा कह रही है ट्रिपल। उस्मान भाई, डबल, डबल। ओके, तो चले जी देखते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं। तो करें जी। ओके, ये क्या है? ये देखिए, सब जो है मंडी में प्याज की गाड़ियां लगी हुई है। प्याज की आवक मंडी में बहुत है। आसाम माइक्रो मिर्ची की गाड़ी खड़ी है। ये देखिए अदरक की गाड़ी खड़ी है। ये आसाम माइक्रो मिर्ची की डीसीएम पूरी खड़ी है। ये देखिए शकरकंद की गाड़ियां सब खड़ी हुई हैं। माल बहुत है आज मंडी में। हेलो दोस्तों, मैं सभी ग्राइंड सब्जी मंडी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 24 जनवरी 2024 को जाने के बाराबंकी सब्जी मंडी का भाव देखिए, मंडी लग चुकी है। कोहरा बहुत है अभी, आज भी जो है इसकी वजह से थोड़ा कस्टमर कम है, पर आज जो है सुबह ही थोड़ा भीड़ बढ़ गई है। ये देखिए सब माल लगा हुआ है, सफ़ेद आलू लगा हुआ है, ये सब शकरकंद जो है गाड़ियों से नीचे उतर के सब लगी है। लाल आलू लगा हुआ है, ये देखिए सुपर क्वालिटी का सब माल लगा हुआ है। ये देखिए शकरकंद लगी है, शकरकंद का रेट 2000 से 2200 रुपये कुंटल चल रहा है। ये सब माल लगा हुआ है, ये लाल वाला आलू 800 रुपये कुंटल का बिका है, बाराबंकी वाला। ये देखिए ट्राली सब खड़ी हुई है आलू की, पीछे मटर की गाड़ियाँ खड़ी हुई। 800 रुपए क्विंटल कितने में पड़ा? सही भाई लगाओ साहब, तकसीम करो, तकसीम में ज़रबे लो आप। कैलकुलेटर है आपके पास? मोबाइल करो जरा। अरे बाप रे, बन गया ना 8 रुपए भाई, 8 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, किलो बहुत। तो हमारे 16 रुपए किलो तो नहीं है। आलू की क्या प्राइस है इधर? इधर प्राइस 100 से ऊपर ही है, 100 से ऊपर ही है, 120 रुपए हो गए हमारे पास। और आप कह रहे थे कि डबल होगी इस 8 साल 16 होगी, मैंने कहा था 100 प्लस ज्यादा है भाई, 10 गुना से भी ज्यादा है, 20 गुना से तकरीबन ज्यादा है प्राइसेस हमारे इधर, कुछ भी नहीं। और हम देखें कितने अफसोस की बात है कि हमारा मुल्क जो है वो एक ज़रई मुल्क, एग्रीकल्चरल कंट्री जो है इसको मतलब समझा जाता है कि एग्रीकल्चरल कंट्री है। और हमारे इधर अब क्या पोटैटो भाई, ओए आलू रख रही है पहले ही भाई, वाले आलू है वो 50 रुपए मिलते हैं। हाँ वो 50 है वो, लेकिन वो बोल का खाते नहीं है कम लोग, वो यूज नहीं करते, सब्जियों में वो यूज होते ही नहीं है। ये देखिए सब माल लगा हुआ, सैंपल खोले। ये देखिए सब बाराबंकी का ही आलू, हर आड़त पे लगा है। कह रुपए खोले भाई, 700 रुपए। मोबाइल नंबर बताओ, 99197268। ये मोबाइल नंबर है इनका, जिनके पास जो है आलू सब लगा हुआ है, जिनको संपर्क करना हो संपर्क कर सकता है आज। ये देखिए मिर्ची खुल रही है सैंपल, आसाम माइक्रो, एक नंबर का माल है मेरे भाई, एक नंबर का। ये देखिए क्या रेट खुला आज भाई, ये खुली है 40 रुपए किलो 42 रुपए किलो, माइक्रो आसाम वाली है 40 से 42। हाँ भाई, इलाहाबाद वाली 50 रुपए पाओ है, 50 200 रुपए। चलो इसका तो 3 गुना ज्यादा रेट हमारे इधर। और लेकिन आलू वाज वेरी शॉकिंग ना, वाली आई है 32 रुपए 30 रुपए किलो, 32 से 30। और कानपुर वाली आई थी? कानपुर वाली भाई नहीं आई है, नहीं आई, यही रेट मिर्ची का खुला। 2 मिर्ची आई थी माइक्रो, आसाम वाली और इलाहाबाद वाली। ये देखिए औरंगाबाद अदरक का सैंपल खुला है। ये देखिए सब लेने वालों की भीड़ लगी है। ये देखिए मांगी जा रही, बोली चल रही, सबकी 75 की जगह है।
ये देखिए औरंगाबाद रख का ट्रक खड़ा हुआ है, आधी से ज़्यादा खाली हो चुकी है। रेट 80 रुपए किलो का होलसेल में खुला है, 8000 रुपए कुंटल का रेट खुला है। हमारे इधर अदरक तकरीबन 600 रुपए किलो है और उधर 80 रुपए किलो। मैं तो अदरक लेता हूँ तो वो साथ उसको कहता हूँ डाल दें, तो वो इतना सा वैसे डाल देते हैं, मैंने कभी रेट नहीं पूछा। नहीं, वो एक वो 20 उठा के डाल देते हैं। यार बहुत फर्क है, कहाँ 80 और कहाँ 600। कहाँ 600, बड़ी बात है, ह्यूज ह्यूज डिफरेंस है यहाँ पे भी। ये देखिए मटर की आवक आज मंडी में बहुत हो गई है। देखिए सामने सब फसल खड़ी है, सामने पिकअप खड़ी है, ये देखिए 200 आ रही है हमारे इधर। आवक बहुत हो गई मंडी में मटर की, कल मटर बिल्कुल भी नहीं थी, आज देखिए मटर की गाड़ियां बहुत सी लग गई। हाँ मामा क्या रेट खोले हो? सब दम 33 रुपए। 33 रुपए किलो जालौन है? जालौन जालौन चाइना 33 रुपए किलो का रेट खुला है। 33 रुपए किलो पाकिस्तान में फिर। ये तो ना रेट सुन के मेरे मन में वो गाना आ गया, लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, अजब है इश्क यारा, वो सॉन्ग था ना। हाँ। तो भाई हम लुट गए, लुट रहे हैं भाई, इधर बिल्कुल लुट रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो हम आम रूटीन में यूज करते हैं, लुट लिया। ये देखो सब सुपर क्वालिटी माल, कल एकदम नहीं था माल। ये देखिए सब लौकी लगी हुई है, कद्दू लगा हुआ है। ये देखिए 2200 रुपए कुंटल का खुला है। 2200 रुपए किलो पड़ गया, 2200 रुपए किलो पड़ गया। और आप बताएं 150 रुपए किलो है इधर तीन डेढ़ कद्दू, तो ये तो सेम ही है, ये तो इतना नहीं है। 2200 रुपए और कहां 150 रुपए, 2200 रुपए काउंटर है तो किलो कितने का पड़ा? 2200 रुपए क्विंटल है तो 2200 रुपए केजी पड़ गया, 2200 रुपए केजी पड़ गया और हमारे 150 रुपए केजी। तो उनकी करेंसी और अपनी करेंसी का हिसाब लगाओ तो उधर ही काटा जाता है काम, वो नहीं आपको नजर आता साथ में। करेंसी तो भाई आप अपनी करेंसी की डीवैल्यू होने पे खुशी मनाओ, फिर ये कि हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, हम महंगे खा रहे हैं, तो भाई उधर सस्ती है चीजें, वो तो हमें भी पता है, हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं है ना। चलो जी अब करेंसी को लेकर बैठ जाओ, करेंसी की वैल्यू नहीं है तो उन्होंने कम की करेंसी की वैल्यू, आपकी करतूतों की वजह से कम हुई है। लेकिन अगर आप लोग कर्जा लोन के ऊपर चलते जाओ करेंसी और गिरती जाएगी, कि इनमें भी उनका कसूर है कि करेंसी के कम होगी आपकी डीवैल्यू। नहीं हम करेंसी को ना देखें वैसे, ओहो एक चीज है आपने रुपीस में कमाना है ना, करेंसी को क्या करना है आपने, वो उनके रुपीस के हिसाब से उनके 2200 रुपए के हमारे पैसे के हिसाब से 150 रुपए। आप इस चीज का नहीं देख रहे कि जब हम अलग हुए थे पाकिस्तान बना था तो तब पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी तकरीबन सेम थी, बराबर थी, और आज से तकरीबन अगर 20 साल पीछे चले जाए तो तकरीबन बराबर थी यार, कुछ फर्क नहीं था, 2-4 रुपए का, 1 रुपए का, अच्छा अब कितना फर्क आ गया, 3 रुपए का फर्क है शायद, 3.5 का, तब बराबर थी, कुछ पैसों का फर्क होता था। तो जब चीजें भी बराबर होती होंगी, तब चीजें बराबर होती थी तो आज क्यों फर्क आ गया फिर। ये देखिए कद्दू लगा हुआ, कद्दू का रेट आज 2500 रुपए कुंटल का खुला है। माल बहुत है आज मंडी में, जहाँ एक दो दिन सन्नाटा था वहाँ वही आज जो है माल भर गया है, मटर की आवक, मिर्ची की आवक, हर चीज की आवक भर गई है मंडी में। ये देखिए गोभी बंधा सब लगा है, लोकल किसानों माल है, ये प्रधान जी की आड़त है। ये देखिए सामने खड़े हैं, इन्हीं की आड़त पे सब माल लगा हुआ है। हाँ प्रधान जी। हाँ बोलिए। क्या रेट दिया आज गोभी बंधा? गोभी बिके 15 रुपए की, बंधा बिका है 10 रुपए 12 रुपए, 10 से 12। मटर लोकल वाली बिकी है? ये लोकल बाराबंकी का माल 42 रुपए किलो, ये लोकल सब बाराबंकी वाला माल आने लगा, अभी स्टार्ट हो चुका है, बहुत आने लगे, किसानों माल है यहाँ का। बैंगन गोल वाला बिका है 45 रुपए का थोक में, 45 रुपए किलो का। हाँ भाटी ये वाली बिके है 42 रुपए 40 रुपए, 40 से 45 रुपए किलो तक का जो है बैंगन का रेट पहुँच चुका है। ये देखिए नंबर बताइए अपना, 80 90 21 48। ये नंबर है 70-80 है, क्योंकि 60 है मेरे ख्याल में, 60-70 है, इधर ही है, ये इधर ही रहे हैं। जो ये जो कद्दू है, बैंगन हो गया, ये इनका मटर नहीं, गोभी, गोभी बहुत सस्ती हो जाती है, 20-25 भी आती है, लेकिन इस दफा सर्दियों में गोभी भी नीचे नहीं गई, क्योंकि जितनी सर्दी थी ना कोई सब्जी नीचे नहीं गई। कंपनी प्रधान एंड कंपनी का जो है ये सब माल इन्हीं के पास लगा, मटर अभी आना स्टार्ट हुई, आएगी तो कम से कम 1-2 गाड़ी डेली आएगी, ये लोकल माल है यहाँ का बाराबंकी का, देखिए बहुत सुपर क्वालिटी का माल, ये सब माल इन्हीं की आड़त पर लगा हुआ है, नंबर दे दिया है, जिनको संपर्क करना हो संपर्क कर सकते हैं।
ये देखिए सब मटर की गाड़ियाँ खड़ी हुई, ये देखिए मटर की आवक कल बहुत कम थी आज बहुत भर गई। ये देखिए सब टमाटर लगा हुआ है बाराबंकी मंडी में। टमाटर का रेट पहले से टाइट है, 500 रुपये से 550 रुपये का रेट तक का होलसेल में चल रहा है। ये बाहर वाला लोकल वाला चल रहा है 550 से 600 रुपये का रेट आज 24 जनवरी 2024 को। ये देखिए सब प्याजें लगी हुई हैं, ये सब सैंपल लगे हुए हैं अनीस भाई की आड़त पे लगी हैं आज 24 जनवरी 2024 को। ये देखिए क्वालिटी वाली माल है सब, ये बड़ा वाला जो है बढ़िया वाला माल सब लगा है। क्या रेट खोला आज? 10 से 12 रुपए की गोल्टी बिकी है। 10 से 12 रुपए किलो गोल्टी। मोटा प्याज बिका 15 से 17। 15-17 कहाँ के हैं? सब नासिक के माल है। मोबाइल नंबर बताइए। 9651-94-74-94। यानी भाई की आड़त है, ये देखिए सब माल लगा हुआ है। रेट भी बता दिया, नंबर भी बता दिया, जिनको संपर्क करना हो संपर्क कर सकता है। 15 से 17 रुपए और हमारे किस हिसाब से 250 रुपए 250-300 और सर्दियों में 300 और अच्छे वाला ये वाला वो 400 रुपए किलो। हाँ जी, और ये इस तरह का नहीं है और वाइट प्याज है वो जो हमें 250-300 रुपए किलो मिल रहा है। बहुत डिफरेंस है, बहुत। मैं लाया था 200 रुपए किलो लाया था अच्छे वाला प्याज जो है, मतलब आज से तकरीबन 5-7 दिन हो गए हैं। डेली का रेट होता है वैसे तो, लेकिन ये है कि 200 से ऊपर ही है, ये तो कंफर्म है ना। 200 से नीचे नहीं जाता। क्योंकि और आपने वो देखा होगा कि वो इस तरह का रेड प्याज नहीं है, खुश्क नहीं है, वो गीले वाला प्याज है। वो कह रही है अभी खुश्क प्याज आ ही नहीं रहा और वो गिच गिच है सर, गीला गीला हाँ जी। कैसा लगा? काफी डिफरेंस है। हसन भाई कह रहे थे कि करेंसी का भी तो डिफरेंस है, अगर प्राइस का डिफरेंस है तो बिल्कुल करेंसी का डिफरेंस है। और अगर करेंसी में भी देखें तो यार एक चीज़ है कि आपकी उतनी हर चीज़ का डिफरेंस फिर आ जाएगा, आप थ्रो आउट आपकी हर चीज़ में वो फिर फ़र्क आएगा ना। बिल्कुल, आप उसको देखते जाओगे तो। लेकिन ये है कि अगर हम देखें कि यार इंडिया में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अब करेंसी को अगर बीच में निकाल दें जो करेंसी का डिफरेंस तो छोड़ दो, तो महंगाई जो है आप देखेंगे पाकिस्तान में कहाँ पर पहुँच गई है। इंडिया में ठीक है, इंडिया में कुछ महंगा नहीं है। इंडिया में आज अगर हमें पेट्रोल जो है वो 100 रुपए पे आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे लिए तो फ्री हो गया। बिल्कुल, 260 है पेट्रोल का रेट पाकिस्तान में, 260। इंडिया में 70-80 रुपए है। इंडिया में 90 या 100 होगा, या दिल्ली में कुछ 106 है मेरे ख्याल, 100 होगा, या मुंबई में 106 है, कुछ ऐसे ही है, इधर ही चल रही है प्राइस जो है, तो मतलब 100 के आसपास है। 200 भी आ जाए ना हमारे लिए बहुत है। अब आप ये कहोगे कि पेट्रोल तो फिर एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत सस्ता है पाकिस्तान में, कि ये 260 है तो इंडिया का अगर 3.5 रुपए का है, 1 रुपया तो इंडिया को तो पड़ेगा, इंडिया के अकॉर्डिंग तो हमारा 350 का होना चाहिए, अभी 260 है ना। तो मतलब ऐसे नहीं होता, लेकिन ये होता है कि आप देखें ना महंगाई उतनी, आपकी करेंसी जितनी डी वैल्यू होती जाएगी उतनी आपको महंगाई जो है वो बस मुझे बनने दे, मैं बन गया ना जिसमें पीएम तो मैं कर दूंगा सही, कोई मसला नहीं। क्या बन गए? पीएम बन गए। जेल में जाना पड़ेगा पहले पाकिस्तान है ना, पहले जेल में लगाओ 4-5 साल जेल में लगाओ, उसके बाद फिर आप जो है आओ और इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं है पीएम बनने के लिए, बाहर आओ और मिनटें तरले करो किसी के, उसको कोई यार मुझे तुम लड़ना चाहते हो इलेक्शन, तुम पहले अपनी बीमारियों के साथ तो लड़ लो। अच्छा, उसके साथ फिर आप कहोगे यार कोई मुझे ना बना दे पीएम, जो आप कहोगे मैं वैसे ही करता जाऊंगा, फिर बन सकते हो, फिर आप बन जाओगे उसके बाद फिर, लेकिन उसके बाद फिर आप जेल में जाओगे। नहीं नहीं, हक सच के लिए, मैं अवाम मेरे साथ होगी ना, मुझे पता है ना, अवाम का इधर कोई नहीं, अवाम जिसके साथ होती है ना वो भी जेल में ही होता है। बिल्कुल, अवाम को कोई नहीं पूछता, यहाँ पैसा चलता है, यहाँ पे चलता है सिर्फ डंडा, बूट, सूट, जराबा ने रूप तानू रब दिता, उतो पढ़िया किताबा ने। चलो बाकी जी गाइस मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, और प्राइसेस आर वेरी हाई इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू इंडिया। तो यही था आज का वीडियो, बाकी अपना रखें ख्याल, और आप को कितना डिफरेंस नजर आया है, तो अभी टाटा बाय।